हेलो जी, राधे राधे सभी को। आप सभी को बड़ी वाली होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ी होली माने खेलने वाली होली। और आजकल तो सभी त्यौहार दो दो हो चुके हैं, छोटी दिवाली, छोटी होली और भी त्यौहार सब दो 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 होने लगे हैं। तो बड़ी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और राजमा मैंने ये भिगो दिए थे रात को ही, और अभी मुझे पता ही नहीं था इसमें सीटी कितनी लगवाऊं, तो मैंने इसमें 3 सीटी लगवाई हैं और 3 सीटी में ही ये अच्छे खासे गल गए हैं। दबा के देखे हैं ना, तो ये गल गए हैं अच्छी तरीके से, और देखने से लग रहा है जैसे ये लोबिया हैं, पर ये लोबिया नहीं है, वाइट वाले राजमा हैं। 3 सीटी लगवाई हैं और गल गए हैं। अब इसका मसाला तैयार करते हैं। और सोच रही थी कि पहले राजमा पूरे तैयार कर दूँ, फिर मैंने देखा तो अभी पूजा का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा पहले पूजा कर लेती हूँ। वैसे भी ये सोनिया के घर से मीठा आया हुआ था होली का, तो मैंने अभी ये खोला है डब्बा, और सबसे पहले भोग लगाऊंगी गोपाल जी को और थोड़ा सा उनको रंग भी लगाऊंगी। आज जो भी है सारा सामान सोनिया के यहाँ का ही है, और मैं वेट ही कर रही थी वैसे कि होली होगी तब उस दिन मैं ये डिब्बा खोलूँगी। सामान तो आ गया था पहले ही, और इस लाइट ने तो मेरे को इतना दुखी कर रखा है ना कि बस पूछो ही कुछ नहीं। अभी ये नई लाइट लगाई है मैंने यहाँ पर, और ये अभी फिर नहीं जल रही है। बस इसको पहले देखते रहो, जल रही है नहीं जल रही, यही हाल है बस। और सुबह ध्रुव थोड़ा सा जल्दी चला गया था सोनिया को लेने के लिए, क्योंकि उस दिन जो मैंने आपको दिखाया था ना, जब लेने के लिए आए थे उसके भाई भाभी, तो उसकी भाभी की भी पहली होली है और वो अपने मायके गई हुई है, तो उसके भाई को भी जाना था मायके उसको लेने के लिए। तो ये जल्दी से जाएगा तब वो फ्री होंगे, तभी वो जा पाएगा ना, तो इस वजह से आज हम सुबह उसके साथ भी नहीं खेले हैं होली। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को लगाया है थोड़ा सा टीका और गुलाल, और उन्होंने भी मुझे लगाया है छोटा सा। और मैं ये कैमरे में देख रही हूँ कि कलर मेरे ज़्यादा तो नहीं लगा है। और नाश्ते में हमारे यहाँ बन रहा है आज ऑल टाइम फेवरेट आलू के पराठे, तो ये बड़े बड़े आलू के पराठे बना लिए हैं मैंने, ताकि अब खा लेंगे और छुट्टी हो जाएगी, बच्चे पता नहीं कब तक आएंगे। साथ में बना ली है चाय 2 कप और इंजॉय करेंगे चाय पराठी। और पराठा देखो मैं आपको अंदर से दिखा रही हूँ खोल के, कितना सुंदर लग रहा है। धनिया मिर्ची पड़ी हुई है, थोड़े थोड़े से कहीं कहीं बड़े बड़े आलू हैं, कहीं पे छोटे छोटे आलू हैं। और चटनी बना रखी है मैंने, 2 दिन पहले बनाई थी मैंने ये चटनी, और चटनी के साथ बहुत ही स्वाद लग रहे हैं। और अपने ही पराठे खा खा के मैं इतनी मोटी होती जा रही हूँ, अब मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी डाइट पर। और अब मैं बना रही हूँ राजमा। राजमा का तरीका वही है, जीरा डाला है, मसाला पीस के डाला है, और उसके बाद उसे ढककर रख दिया है, और 2 मिनट बाद देखा है इसको तो मसाला पक गया है। अब इसमें डाले हैं मैंने मसाले, वही हल्दी मिर्ची नमक और धनिया, और बस इसको फिर पकने के लिए छोड़ दिया है राजमा इसके अंदर डाल के। और अब मैंने इसमें 1 सीटी और लगवाई है, और क्योंकि राजमा अच्छे खासे गले हुए हैं तो 1 सीटी में ही पक जाएगा। और बस पानी वानी बैलेंस करने के बाद एक बार थोड़ा सा चेक कर लिया है नमक मिर्च वगैरह, तो नमक थोड़ा सा कम था तो फिर मैंने वो डाल दिया है। और 1 सीटी बज गई है, और अब गैस बंद कर दूंगी और कुकर को उतार के साइड में रख दूंगी, क्योंकि मुझे अब यहाँ पर गोभी आलू की सब्ज़ी बनानी है। तो यही मुझे बर्नर पास में पड़ता है, तो मैं इसी बर्नर को आजकल ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ मैं। और आज तो मैंने प्याज अदरक लहसुन सब कुछ डाला है सब्ज़ी के अंदर, क्योंकि त्यौहार है ना, तो थोड़ी सी स्पेशल तो बननी ही चाहिए ना सब्ज़ी। और प्याज को अच्छी तरीके से भूनने भानने के बाद फिर मैंने इसके अंदर डाले हैं टमाटर, और 2 मिनट टमाटर ढक के रखने के बाद अच्छे से गल गए थे। और आज तो मैं कहूँगी कि आज मैंने इसमें नमक का रंग डाला है, हल्दी का रंग डाला है, धनिया का रंग डाला है, और मिर्ची का रंग भी डाला है, क्योंकि ये होली पर बना रही हूँ ना सब्ज़ी, इसलिए ये रंग बिरंगे मसालों वाली सब्ज़ी है।
और बस ढक के रख दूँगी इसको। और ये अभी तो पूरी भरी हुई है कढ़ाई, तो इसको एक बार थोड़ा सा ना उछाल उछाल के चला लूँगी, क्योंकि ऐसे तो ये इतनी पॉसिबल हो नहीं रही है। तो अभी फिर इसको 2 मिनट ढक के रखूँगी और इसको एक बार दोबारा से चलाऊँगी। और सलाद काट लिया है, खीरे हैं और ये प्याज है। और बीच बीच में मैं रसोई भी थोड़ी थोड़ी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि काम करते समय ना बहुत ज़्यादा फैलावा फैल जाता है। तो धनिया वनिया सब रख लिया है बाद में डालने के लिए, और अभी सब्ज़ी पकी रही है। इतनी देर मैंने कहा चलो रसोई थोड़ी सी साफ़ कर देती हूँ। खेल रहे होली और अब जाके काम खत्म हुआ है मेरा। और देखो सोनिया और ध्रुव कब तक आएंगे। खिड़की बंद करती हूँ, शोर आ रहा है बाहर से। और आज सुबह 10 बजे तक तो यहाँ बिल्कुल पता ही नहीं चला कि होली है, बिल्कुल शांत सन्नाटा था बिल्कुल। और उसके बाद से फिर शोर मचना शुरू हो गया। तो धनिया वनिया मैंने निकाल के रखा हुआ है और राजमा बन गए हैं, गोभी की सब्जी अभी बन रही है। और राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बहुत देर से राधे राधे कर रही हूँ आप लोगों को, काम के चक्कर में मैं भूल ही गई करना। होली भी खेल ली, रंग भी लगा लिया था उस समय, टीका वीका तभी करना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं, अब याद आया तो अब कर लिया। और बच्चे आने वाले हैं, शायद वो सोनिया मम्मी के घर से चली गई है अब ताई जी के घर, ताई जी के घर मतलब ध्रुव की ताई जी के घर। तो लग रहा है खाना वाना शायद वो खा के ही आएंगे। और मैंने यहाँ 2 सब्जी बना ली हैं, राजमा और गोभी। तो अगर वो लोग नहीं आए तो फिर हम तो एक ही सब्जी यूज़ करेंगे, राजमा चावल। हाँ चावल भी बनाए हैं, वो दिखाई नहीं मैंने आपको। और फिर गोभी शाम को यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कब तक आते हैं बच्चे। सब्जी तैयार हो गई थी थोड़ी देर पहले, तो अब तो थोड़ी थोड़ी सी ठंडी भी हो गई है। तो अब इसमें मैं धनिया मिक्स कर रही हूँ, और दूसरे हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है ना, तो इस वजह से मैं प्रॉपर नहीं दिखा पा रही, हिल रहा है थोड़ा सा। और इसमें भी डाल दिया धनिया, और ये राजमा जो तैयार हो गए हैं इसमें भी मैंने धनिया करके रख दिया है। तो ऑलमोस्ट पूरी सब डन हो गई है मेरी चीज़ें। और अब थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लगी है ना, तो ध्रुव के पापा कह रहे थे तुम खाना लगा लो, बच्चे जब आएंगे तब खा लेंगे, भूख होगी तो नहीं, भूख होगी तो कोई बात नहीं, खाना तो हमारे पास रेडी है ही। तो बस अपनी थाली लगा ली है, चावल हैं और ये राजमा है, थोड़ी सी सलाद काट ली थी, रोटी नहीं बनाई है अब मैंने, अब देखेंगे शाम को ही बनाएंगे रोटी वगैरह। टेस्ट कर लिए कैसे हैं? और अब बच्चे आ गए हैं, तो मैं नीचे जा रही हूँ गेट खोलने के लिए। और बच्चे भी अब थक के आए हैं, सुबह से होली खेलने लगे हुए हैं। तो सोनिया बोली मम्मी मैं तो पहले नहाऊंगी, और ध्रुव भी बोला मैं पहले नहाऊंगा मम्मी, उसके बाद ही देखेंगे जो खाना होगा। तो बाकी ये है कि बाद में फिर ये लोग ने हमारे साथ भी होली खेली थी, क्योंकि उस समय तो ये थके हुए थे ना, तो हमने भी इनको कुछ नहीं कहा फिर। और थोड़ा सा पंखे का साउंड आ रहा है, उसको आप इग्नोर कीजिएगा। सबसे लास्ट में हो रही है हमारी होली, मेरा तो बिल्कुल जरा सा लगाइयो तू। तीन दिन हो गए मेरे को कलर लगते हैं। कोई भी लगा लो। और बताओ क्या हाल मैं जितना लगाऊंगा उतना ही मेरे लगाना है। बस इतना ही लगाना।
सब नहाने धोने के बाद ना यही होता है, अब मत कुछ लगाओ। इतनी गुलाब अच्छा है, पता है आराम से भूल रहे हैं, तो आजकल गुलाल भी जो केमिकल वाले आ रहे हैं, हल्का सा है तो सही, इसमें भी कलर लेकिन सॉफ्ट है, मुझे भी साफ है। हाँ। और इस वीडियो को करूँगी मैं अभी यहीं पर एंड, और आशा करती हूँ आप लोगों ने भी खूब अच्छे से अपनी होली सेलिब्रेट करी होगी, और हमने भी बहुत अच्छी तरह करी, और हम तो इसी तरीके से करते हैं। पिछले साल भी हमने इसी तरह सेलिब्रेट की थी, क्योंकि हम तो दो ही जने थे उस समय, और अब तो सोनिया आ गई है और ध्रुव भी है, तो थोड़ा सा माहौल चेंज है हमारे घर का। तो राधे राधे सभी को, मिलूँगी फिर किसी और दिन। राधे राधे।